नमस्ते मैडम, सुप्रभात। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैम, आज मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, आज का अपॉइंटमेंट था। गांव से आया क्या? इंग्लिश नहीं आती? मैम, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तभी तो मैं आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूँ। वो दरवाजा दिख रहा है तुझे? वहां से ना सीधा बाहर निकल जाओ। क्या मतलब मैडम, दरवाजे से बाहर? पर मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ ना। इंटरव्यू देने आया है तो इंग्लिश में बात करना, तेरी वजह से हमें भी हिंदी में बात करनी पड़ रही है। माफ करना मैम, मुझे सच में इंग्लिश नहीं आती, तो मैं आपसे इंग्लिश में कैसे बात कर सकता हूँ? अरे, इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आया है और हिंदी में बात कर रहा है, तो जैसे गवार की वजह से ना हमें भी हिंदी में बात करनी पड़ रही है। लेकिन मैडम, मैं तो यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ ना, और मुझे लगता है इस नौकरी को करने के लिए मेरे अंदर काबिलियत है, और मैम मैं ये नौकरी कर भी सकता हूँ। एक बार मेरा इंटरव्यू लेकर तो देखिए, अगर मैं उसमें असफल हो जाता हूँ तो आप मेरे को निकाल देना। लेकिन मैडम, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इस बात को लेकर तो मुझे निकाल रहे हो, ये तो गलत है ना। Look, we are not sitting here to meet people just like you. माफ कीजिए मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं कैसे कैसे गवार उठ के आ जाते हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पर आया क्यों है? इसने तेरी तारीफ की है। तारीफ? हाँ, तुम जैसे लोग तारीफ के लायक ही तो होते हैं ना। और तुम जैसे नमूने ना इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने कैसे आ जाते हो? थोड़ा पढ़ लिख लो फिर आना इंटरव्यू देने। मैम, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे मतलब? अरे, क्यों बदतमीजी किए जा रहे हमारे साथ? तुझे समझ नहीं आता, तुझ जैसे एम्प्लॉय की ना हमें इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। अरे, हमारे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। मैम, ये कैसे रूल हैं? हम तो भारत देश में रहते हैं ना, और हमारे भारत देश की मातृभाषा ही हिंदी है। अगर हम भारतवासी हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और ये तो बड़े अजीब से रूल हैं। अगर ऐसे रूल रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बेटा, तेरा इंटरव्यू ना हमने ले ही लिया है। तेरा चेहरा देख के, तेरी भाषा देख के और तेरे कपड़े देख के, ये देख के ना हमने तय कर लिया है कि तू इस कंपनी के लायक है ही नहीं। लेकिन मैडम, आपने मेरा इंटरव्यू लिया कब? एक बार आप मेरा इंटरव्यू लेकर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा मेरी काबिलियत के बारे में। जब से आया लेकिन ये लेकिन वो लगा रखा है, तुझे समझ नहीं आता क्या? तुम जैसे एम्प्लॉयज की हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं है। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी बुला के तुझे धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते पता नहीं नमूने। सर, आज आपने हमें हॉलीडे वाले दिन क्यों बुलाया? मैंने आप दोनों को हॉलीडे वाले दिन इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप दोनों से काम था। ये फाइल है, ये फाइल आप दोनों को पूरी करनी है। अगर आप दोनों ये फाइल पूरी करोगे आज की आज, तो आप दोनों को प्रमोशन मिलेगा। सर, लेकिन ये तो फ्रेंच और जर्मन की लैंग्वेज में है। यस सर, प्रमोशन तो चाहिए, बट ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमें समझ नहीं आएगी तो हम कैसे पूरा करेंगे? क्या कहा आपने, ये आपकी लैंग्वेज नहीं है? उससे मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी लैंग्वेज है या नहीं है। अगर मैंने फाइल दी है तो आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो। लेकिन सर, ये तो गलत बात है। गलत बात क्या? कुछ भी हो, आपको ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो। बट सर, ये तो गलत है, जब हमें ये लैंग्वेज ही नहीं आती तो हम इस प्रोजेक्ट को कैसे कर पाएंगे? क्या कहा आपने, मैं आपको जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। अरुण, पहचाना इसको? ये सर, ये तो हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था। अच्छा, तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? बिकॉज सर, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी। क्या आप दोनों मुझे अच्छे से बता पाओगे कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक क्यों नहीं थी? सर, क्योंकि ये हिंदी में बात कर रहा था। अच्छा, ये हिंदी में बात कर रहा था, इसलिए आपने इसे नौकरी नहीं दी और इसकी काबिलियत पर शक किया। आप दोनों कौन से देश में रहते हैं, क्या आप मुझे बताओगे? भारत में। भारत? और हमारी भाषा क्या है, आप बता सकते हैं? हिंदी। आपको पता है हमारे देश में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा हमें बोलने में आसानी होती है। हम एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। आप लोगों को पता है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग वेस्टर्न लैंग्वेज में इतना डूब गए हो कि आपको हिंदी बोलते हुए और हिंदी सुनते हुए शर्मिंदगी होती है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और आप ये भूल चुके हो कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, तब भी आप लोगों को इसे सुनते हुए शर्मिंदगी होती है। अब आप दोनों ये सोच रहे होंगे कि ये बात मुझे कैसे पता चली,
इसे ना मैंने ही भेजा था आप लोगों के पास। मैं जानना चाहता था, इसे ना मैंने ही भेजा था आप लोगों के पास क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप लोगों की सोच कैसी है। आपको पता है ये अपने कॉलेज में ना हमेशा फर्स्ट आता था। ये इतना होनहार बच्चा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे होनहार बच्चे मुझे अपनी कंपनी में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप दोनों ने क्या किया, आप दोनों ने इसकी बेइज्जती की, इसको लैंग्वेज के नाम पे इसको सुनाया। आपने अरुण को जज किया सिर्फ और सिर्फ उसके पहनावे से, उसके ड्रेसिंग सेंस से। आपने ये नहीं देखा कि उसके अंदर टैलेंट कैसा है। वो अपने कॉलेज का नंबर वन का स्टूडेंट था और आपने उसे कपड़े और लैंग्वेज से जज किया। आप दोनों एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी लैंग्वेज काम नहीं आती, काम आता है तो सामने वाले का टैलेंट। आपने क्या किया, आपने इसको इसकी लैंग्वेज की वजह से इसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अगर मैं चाहूँ तो आप दोनों को भी ऑफिस से बाहर निकाल सकता हूँ। आप दोनों को जर्मनी नहीं आती और इसको इंग्लिश नहीं आती, तो इसमें गलत क्या है, इस बेचारे की इसमें गलती क्या है। जैसे आप दोनों ने इसको ऑफिस से बाहर निकाला था ना, वैसे ही मैं आप दोनों को अपने ऑफिस से बाहर निकालता हूँ। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकता जिसने अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी लैंग्वेज का मजाक बनाया हो। आप लोग यहाँ से जा सकते हो, कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आप दोनों का सामान है आप ले जाइए, लाओ दो फाइल, जाओ यहाँ से। आप कल इंटरव्यू देने फिर चाहिए, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, वो भी हिंदी में। और हाँ, जो भी आपकी काबिलियत होगी उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी।